अपर जनपद बाराबंकी से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांग दिवस के मौके पर बाराबंकी में कई स्थलों पर विकलांग दिवस जोर शोर के साथ मनाया गया। वहीं बस गोपाल राष्ट्रीय पुनर्वास ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेश कुमार के द्वारा सिविल लाइन चौराहे के पास बैठक कर विरोध किया गया। अध्यक्ष ने ये भी कहा कि प्रत्येक माह की 15 तारीख से पहले हम विकलांग भाइयों की बैठक कराई जानी चाहिए, जिसमें शासनादेश भी होना चाहिए, पर आज तक कभी कोई बैठक नहीं कराई गई। मैं यहाँ प्रशासन द्वारा दिव्यांगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके लिए बैठे, क्योंकि हमारे लिए 1995 अधिनियम को संशोधित 2016 बनाया गया है, जिसमें आरक्षण 5% कर दिया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा अभी तक हमारी राजनीतिक आरक्षण शून्य है। ISPCS हम बन सकते हैं, परंतु नेता नहीं, जैसा कि सरकार के द्वारा मानना है, और इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि जो हमारे अधिकार हैं हमें दिए जाएं। क्या इस संदर्भ में आपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया? जी हाँ, हम पत्र भी भेज चुके हैं पहले, और फ़ोन पर वार्ता भी बराबर होती है, आश्वासन मिलते लेकिन झूठे। किससे बात वार्तालाप हुई आपकी? हमारे प्रमुख सचिव दिव्यांग सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश और दिव्यांग सशक्तिकरण प्रमुख सचिव भारत सरकार से भी बात हो चुकी है इस पर। हम लोग विकलांग दिवस मनाने के लिए आए हुए बैठे हैं, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश पटेल जी ने बताया है कि हम शासन प्रशासन को लेटर भेजे हैं, लेकिन हमारे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मान लीजिए कि आज आपकी कोई उचित जवाब नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे? तो हम लोग फिर अपने धरना पर बात होंगे, धरना करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, सरकार को